नमस्कार दोस्तों, आज आप सीखोगे कि हम चार सॉकेट और चार स्विच का बोर्ड कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए क्या है, आपको सबसे पहले मार्केट से ये डमी परचेज करनी है। इसकी ये आपको सॉकेट लाने हैं, ये सॉकेट है, स्विच है, स्विच है, स्विच है, तो ये आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो इसको हम फिट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने इन स्विच को लगाना है। इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो स्विच होता है वो हमेशा जिस तरफ ये इसमें ऊपर वर्ड लिखा है ना कृष, तो इसके ऊपर सारे का जो वर्ड है नीचे तक ऊपर होना चाहिए, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, सीधा रखना है। तो इसके बाद हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हमने इनको फिट करना है, नेट लगाने हैं, वो ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसको हम कैसे लगाते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। साथ में हम इसमें सीखेंगे कि वायरिंग कैसे करेंगे। इस सॉकेट को हम इस स्विच से चलाएंगे, इस सॉकेट को इस स्विच से चलाएंगे, इस सॉकेट को इस स्विच से, इससे इससे, इसको हमने पावर कैसे देनी है, कहाँ से क्या करना है, सभी ने ध्यान से देखना है। तो दोस्तों, इसके लिए छोटी छोटी तारें तो पहले आप काट लो इसके साइज़ के हिसाब से, क्योंकि तार जो होती है ये बनानी पड़ती है, ये बनी बनाई नहीं होती, ये बनानी पड़ती है आपको। आपने ध्यान रखना है जब भी आप तार लगाते हैं तो आगे से ऐसे कर लें जिससे तार इकट्ठी हो जाती है, इससे ये शॉर्ट होने के चांस कम हो जाते हैं। उसके बाद अब हमने कैसे वायरिंग करनी है, सभी ने ध्यान से देखना है। तो ये देख लो, ये सीधा है, इसको हम ऐसे पलट देते हैं। अब हम वायरिंग यहीं से करते हैं स्टार्ट, ऊपर से फिर नीचे से, सभी ने ध्यान से देखना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देते हैं न्यूट्रल देते हैं, आप जैसे मर्जी करना चाहो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल दे देते हैं, अब सभी ने ध्यान देखना है, इसके साथ हमें नीचे भी वो देना है। तो इसके लिए क्या है, जैसे हमने ये तार लगा दी तो हम इसके साथ सारी तारें लगाएंगे, एक तार और लगाते हैं ये, क्योंकि इससे हमने नीचे बोर्ड को भी देना है। तो ये हमने न्यूट्रल लगा दी। अब इस तार को हमने कहाँ लगाना है, हमने यहाँ लगाना है, क्योंकि इससे यहाँ तक आएगा। अब आपने ध्यान रखना है कि जब से हम इसको दे रहे हैं तो हमने फिर नीचे भी लगाना है सेम। तो अब हमने नीचे से यहाँ करना है और यहाँ से यहाँ करना है, तो सभी ध्यान से देखेंगे, यहाँ से हमने यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये न्यूट्रल का हो गया सारा पोर्ट, क्योंकि हम चार सॉकेट में दे रहे हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार ही स्विच है। तो इसके बाद हमने इसमें लगाना है
जैसे आप ऊपर लगाते हैं वैसे ही सेम लगाना है। और ये जो तार है अब इसको हम यहाँ लगाएंगे, इस तार को हमने यहाँ लगाना है कोने पर। दोस्तों ये बड़ा आसान है, इसको आप भी बना सकते हो, इसलिए मैं आपको इसमें लाइव दिखा रहा हूँ कैसे हम करते हैं। तो ये देखा हमने, ये न्यूट्रल की तार हमने यहाँ से यहाँ दे दी और इससे हमने यहाँ दे दी, यहाँ से यहाँ कर दी। ये देखा आपने, हमारी न्यूट्रल की कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम मेन फेस देते हैं। तो दोस्तों इसके नाप के हिसाब से हम क्या करेंगे, इस तार को थोड़ा आगे तक करेंगे कि जिससे हम, या कॉपर की तार है आपके पास तो इसको यहाँ मैंने अब इसमें फेस दे रहे हैं हमने, इसमें और इसमें फेस देना है, इसमें और इसमें देना है। तो आपने देखा मैंने इस तार को यहाँ तक निकाल दिया कि इस स्विच से इसमें भी पावर आ जाएगी, इसमें आपको अलग से तार लगाने की जरूरत नहीं है, यही तार सीधी आप यहाँ तक उसेर सकते हो, मगर वो आपको आगे से छेड़नी पड़ेगी। इसके बाद आपने इसको दे देना है। ये देखा आपने, ये मेन फेस कर दिया हमने सारा, अब हम इसको टाइट कर देते हैं। और ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि इन तारों को ऐसे छोड़ देते हैं, इनको बेंड कर दो नीचे को, ये देखो कि टच ना हो आपस में। तो हमने इसको वो कर दिया। आप चाहे तो मेन फेस की तार यहाँ भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी लगा सकते हो क्योंकि पावर पास करेगा यहीं से। तो मैं इसको इसको भी हम टाइट कर देते हैं। अब इसके लिए हम ये हमने लगा दी मेन, ये हमारे बोर्ड से आएगी। ये हमने यहाँ निकाल दी, ये हमारे बोर्ड में लगेगी, इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है उससे हम इसको ऑन करके देखेंगे कि चल रहा है नहीं चल रहा है, हमारी वायरिंग ठीक है नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये तो था मेन, इसको न्यूट्रल को हमने यहाँ से यहाँ कर दिया, ये न्यूट्रल तार आ रही है, इसकी वायरिंग यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ और फिर यहाँ, तो ये न्यूट्रल हो गया। अब इस स्विच का ऑन ऑफ के लिए हम यहाँ लगाते हैं और इस तार को हम यहाँ निकाल देते हैं। ये छोटी छोटी तारें आपने बना लेनी है, मैंने पहले से बना ली थी इसलिए मैं लगा कर, क्योंकि अगर मैं बनाता तो फिर इसमें काफ़ी टाइम लग जाता, तो मैंने इसलिए पहले से बना कर रख ली थी। और फिर हम ये देखो
अब हमने यहाँ से इसको करना है, ना कि इसको यहाँ करेंगे टच तो ये जल जाएगा, क्योंकि मेन फेस बन जाता है पूरा। तो इसके पावर पास के लिए, ऑन ऑफ के लिए ये हम लगाते हैं। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो ये स्विच से डायरेक्ट हो जाएगा, जिससे आपका स्विच से बंद नहीं होगा ये, और डायरेक्ट चलेगा आपका। अब एक तार हमारी हो रही है, ये हो रही है। तो दोस्तों आपने बोर्ड बना लिया है, सभी ने ध्यान से देखना है कैसे हमने वायरिंग किया। एक बार फिर से आप चेक कर लो, आप देख सकते हैं कैसे हमने वायरिंग की है। सभी से ध्यान से देखेंगे, पहले अपनी वायरिंग देखेंगे कैसे हमने वायरिंग की है। तो दोस्तों हमारा जो बोर्ड है बनकर कंप्लीट हो गया है, सभी ने देखा है। हमने ये न्यूट्रल ली थी, ये जो तार है ये आपको दिख रही है, इसको हमने यहाँ से यहाँ निकाल दिया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो उसके बाद हमने इस बोर्ड में इस यहाँ तक इसको पावर पास कर दिया मेन से। ये मेन है हमारी, मेन आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो। अगर आप यहाँ लगाते हो ऊपर तो 100% आपका बोर्ड चलेगा। सभी ने ध्यान से देखना है, लोग ज़्यादातर गलती करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब आपने बनाया था मगर ख़राब हो गया। मैं आपको इसमें होल्डर से अब बल्ब भी जलाकर दिखाऊंगा कि कौन सा पोर्ट आपका सही काम कर रहा है। इसलिए मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ कि ये ना हो कि लोगों को बनाने में कोई दिक्कत होगी, परेशानी हो। इसके बाद हमने पावर यहाँ से क्रॉस कर दिया, इसका पावर हमने यहाँ से, या छोटी छोटी तार भी लगा सकते हो, तार नहीं लगा सकते जैसे हमने ये लगाया है। ये नहीं लगा सकते तो आप एक ही तार को छील लो, मगर उसकी तार जो हो तो वो अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद ये पावर है, ये मेन फेस है, ये भी मेन फेस है, ये मेन है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। तो दोस्तों सभी ने देखा कि हमने अब बोर्ड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको चेक करेंगे, अब हम बल्ब लगा कर देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है। तो हम बोर्ड को लेते हैं, तो ये हमने लगा दिया है तो मेन बोर्ड के साथ। अब ये होल्डर है, ये बल्ब और होल्डर, अब इसको हम लगाते हैं। तो अब देखो क्या, मैंने इसे ऑन किया, ये हमारा चल गया है। आपने देखा ये बल्ब हमारा चल रहा है।
पहली सॉकेट हमने चेक कर ली, अब इसको हमने बंद कर दिया। इसके बाद हम दूसरा चेक करते हैं। तो हमने ये दूसरे में लगाया, इसमें भी चल रहा है, ये भी हमारा ठीक है। और इससे हमने ऑन ऑफ भी हो रहा है, सभी ने ध्यान से देखना है। तो ये ऑन था, तो दोस्तों ये लगाओगे ये ऑन हो जाएगा। ये हमने तीन चेक कर लिए। तो दोस्तों हमने सारे ही स्विच चेक कर लिए और सॉकेट चेक कर लिए, सारे हमारे काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हमने फोर सॉकेट और फोर स्विच की वायरिंग की है और कैसे करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के बोर्ड जलेंगे, क्योंकि इसमें मैं लाइव दिखा रहा हूँ, आपके सामने बल्ब जल रहा है और ये सॉकेट काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही जय हिंद जय भारत।